तेरे मेरे इश्क दे उत्ते दुनिया थुकेगी, जमाना पत्थर मारेगा ते गंदा बोलेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस टिकटॉकर शादाब खान के बारे में, जिन्होंने अपने 9 साल के रिलेशन को एक सेकंड में तोड़ दिया और मुस्कान शर्मा को धोखा दिया। इसीलिए हर कोई शादाब से नफरत करता है, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादाब खान और शालिनी सूर्यवंशी के बारे में। आखिर ये दोनों अलग क्यों हो गए और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? शादाब ने पहले मुस्कान को धोखा दिया और इसके बाद शालिनी सूर्यवंशी को। आखिर शादाब और शालिनी अलग क्यों हो गए? तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको बताएंगे इन दोनों का रिश्ता क्यों टूटा। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। शादाब का फुल नेम शादाब अली खान है। 27 दिसंबर 1996 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर शादाब खान के नाम से फेमस हैं। अगर शादाब की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा भाई बहन हैं। इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो अब बात कर लेते हैं शादाब के एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। स्टार्टिंग की पढ़ाई इन्होंने मुंबई के ही एक प्राइवेट स्कूल से की और वहीं से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। शादाब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां पर उन्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं हुई। शादाब को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, और जैसे ही वो समझदार हुए तो वो अपनी मॉडलिंग वाली फ़ोटो शूट कराया करते थे। इसके बाद उन्हें टिकटॉक के बारे में पता चला तो इन्होंने भी टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, और टिकटॉक के ज़रिए ही इनकी मुलाकात मुस्कान शर्मा से हुई थी, जहां पर इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ तो इन्होंने एक साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इनकी वीडियोस को लोगों ने इतना पसंद किया कि इनकी वीडियो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर छा गईं, और इनकी कपल्स वीडियोस को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और ये सबके फेवरेट कपल बन गए। इनका रिश्ता 9 साल तक चला, लेकिन इसके बाद शादाब ने मुस्कान को धोखा दिया और किसी और के लिए मुस्कान को छोड़ दिया। अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब मुझे प्रमोशन चाहिए। तुम थोड़ी ना मेरे यहाँ पर कोई नौकरी करती जो तुम्हें प्रमोशन चाहिए। गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो अब वाइफ का प्रमोशन चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं शादाब ने शालिनी को धोखा क्यों दिया और क्यों दोनों अलग रहते हैं। शादाब और शालिनी की मुलाकात लॉकडाउन के समय हुई थी। उस समय शादाब टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा फेमस थे। शादाब और मुस्कान की वीडियोस काफ़ी तेज़ी से वायरल होती थी और ये दोनों रिलेशनशिप में थे। एक दिन शादाब टिकटॉक पर वीडियोस देख रहे थे तो उन्हें शालिनी की प्रोफाइल दिखी। जब उन्होंने शालिनी की सारी वीडियोस चेक की तो उन्हें शालिनी बहुत अच्छी लगी, और इसके बाद उन्होंने शालिनी को एक मैसेज किया। और जब शालिनी ने शादाब के मैसेज को देखा तो तुरंत रिप्लाई किया, और यहीं से दोनों की बातें होना स्टार्ट हो गईं। इधर शादाब और शालिनी की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं, उधर शादाब मुस्कान को धोखा दे रहे थे, और इसके बाद शादाब ने मुस्कान से मिलना बंद कर दिया और शालिनी को डेट करने लगे। कैसे भी करके मुस्कान को शादाब की सच्चाई पता चल चुकी थी और मुस्कान शर्मा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। पर कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और इसके बाद शादाब ने शालिनी सूर्यवंशी से शादी कर ली और दोनों साथ में वीडियोस बनाने लगे। पर फैंस इनकी वीडियोस और फोटोज पर इतने निगेटिव कमेंट्स करते हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपने तो देखा ही होगा। और शादी के कुछ साल बाद इनके एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम ईरा है। प्यार करने के लिए एक इंसान काफी है यार, मुंह मारने के लिए तो पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं शालिनी और शादाब के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए। शालिनी और शादाब अब एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं और ना ही साथ में वीडियोस बनाते हैं। शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होने लगे और बात मारपीट तक आ गई, और इन सब से शालिनी सूर्यवंशी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसके बाद वो शादाब का घर छोड़कर और कहीं रहने लगी, और शालिनी अपनी बच्ची को अपने साथ ही रखती हैं। शालिनी और शादाब का पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है और अब दोनों जल्दी तलाक लेने वाले हैं।
वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, शालिनी ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने डाली थी और बहुत सैड फील हो रहा था यार वो घर छोड़ा तो, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज थी यार उस घर में भी। मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही थी कल, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही आ गई। मैंने एक बार देखा भी नहीं वो, एक बार दोबारा जैसे देखते ना घर यार। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, आप जो दूसरों को दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा, इसीलिए सबके साथ अच्छा करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। शालिनी सूर्यवंशी और शादाब की जोड़ी आपको कैसी लगती थी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइस। कुछ तो फूंका है तेरे कानों में किसी ने, इतना जहर मेरी मोहब्बत नहीं उगल सकती।